हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल टीटी प्लेइंग 11 में। तो जब बात करें एटलांटा ब्रेव्स और लॉस एंजेलिस डॉडजर्स एमएलबी लीग के बेसबॉल मैच के बारे में, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको अपनी टीम में किस प्लेयर को पिक करना है, किस प्लेयर को ड्रॉप करना है। हम बात करेंगे ड्रीम टीम के बारे में और जो फाइनल टीम होगी वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आइए हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। तो दोस्तों, ये आपका अपना टेलीग्राम ग्रुप होने वाला है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, आज जो मैच मैंने क्या कहते हैं कवर किए थे, तीनों के तीन मैच मैंने आज कवर किए और तीन के तीन मैच आपको क्लीनशिप दिए हैं। दोस्तों, तीनों के तीनों मैच क्लीनशिप देना कोई आसान काम नहीं है। दोस्तों, आप चेकआउट कर सकते हैं टेलीग्राम पर जाकर, देखिए फर्स्ट मैच क्लीनशिप, फिर मैंने दोस्तों आपको सेकेंड मैच दिया वो भी क्लीनशिप, थर्ड मैच दिया फिर से दोस्तों वो भी क्लीनशिप। यानी दोस्तों, तीन के तीन मैच मैंने आपको इस वीडियो में क्लीनशिप दिए ही दिए हैं और मैं ट्राई करूंगा कि ये मैच में आपको क्लीनशिप दे दूं। बाकी दोस्तों, जो फाइनल टीम होगी वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी, इसके लिए आपको टेलीग्राम तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको विजन 11 को डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉम्पिटिशन है वो काफ़ी कम है और एंट्री फीस भी काफ़ी कम है और आपके जीतने के चांस बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, आपको यहीं से उसको ज्वाइन करना है और विजन 11 को डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे अच्छे अपडेट मिलते रहते हैं और मान लीजिए अगर किसी न्यू प्लेयर को प्ले का मौका दिया जाएगा तो उसके स्टैट भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ टीम परफॉर्मेंस के बारे में। तो दोस्तों, अब बात करते हैं टीम परफॉर्मेंस के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे एटलांटा ब्रेव्स के बारे में। तो एटलांटा ब्रेव्स का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा खासा है। दोस्तों, इन्होंने 88 मैच में विन, 73 मैच में लॉस। और जो इनके रिसेंट परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो लास्ट के 10 मैच में उन्होंने 8 में विन किए और 2 मैच में लॉस का सामना किया। और 8 मैच दोस्तों, आपको रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर जाना है तो आपको देखने को मिलेगा कि उन्होंने लास्ट के 8 मैचों को विन किया, जो काफ़ी बड़ी बात है। और मैं बात करूँ डॉडजर्स के बारे में, तो डॉडजर्स का जो उनका परफॉर्मेंस उनसे भी अच्छा खास है। तो दोस्तों, मैं बात करता हूँ, देखिए 106 मैच इन्होंने विन किए हैं, 56 मैचों में लॉस का सामना किया। और रीसेंट परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ 10 मैचों के तो 9 है, यानी कि दोस्तों 9 मैच में विन और 1 मैच में लॉस का सामना किया। तो जिनका रीसेंट परफॉर्मेंस उन वो ब्रेव से भी अच्छा खासा है। तो अब बात करते हैं ड्रीम टीम के बारे में। तो दोस्तों, मैं ड्रीम टीम बना चुका हूँ जो इसी वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो ड्रीम टीम दो, उससे पहले मेरी मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फाइनल टीम टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर भी कर दीजिए। तो मैं इसको ओपन करूँगा, मैं आपको बताऊँगा कि आपको अपनी टीम में कौन से फील्डर, कौन से इनफील्डर, कौन से पिचर, कौन से कैचर, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो आपको एंड तक वॉच कर लेनी है। जो वीडियो एंड तक वॉच करेगा उसको इस मैच के बारे में काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज प्लस काफ़ी अच्छी खासी विनिंग टीम मिलने वाली है। तो हम स्टार्ट करेंगे ऑफील्डर सेक्शन से। तो बैट्स दोस्तों, मुक्की बैट्स के बारे में बात करें तो मुक्की बैट्स का तो लास्ट मैच का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा खासा है और आज के मैच में मैं अपनी टीम में वॉइस कैप्टन की जगह देने वाला हूँ। कैप्टन सोच दोस्तों, मैं पिचर को रखूँगा। अगर सकराजर प्ले करेंगे तो मैं उनको अपनी टीम में एज अ कैप्टन लेकर चलूँगा और अगर बॉलर प्ले करेंगे तो मैं इनको अपनी टीम में कैप्टन लेकर चलने वाला हूँ। तो दोस्तों, मुक्की बैट्स आप लिए काफ़ी अच्छी ऐसी चॉइस है। एज ए प्लेयर तो आपको इनको अपनी टीम में लेकर चलना है। अगर कोई चेंज होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, मैं रसोरियो के बारे में बात करूँ तो रसोरियो इस मैच के लिए आपके लिए काफ़ी बड़ी चॉइस होने वाली है। इनके पिच का जो मेजोरिटी, जो इनका सेलेक्टेड बैंड है वो काफ़ी कम रहता है और मान लीजिए अगर आज के मैच में इनका जो सेलेक्टेड बैंड 30 के आसपास भी रहता है वो इतना अच्छा सा परफॉर्मेंस कर देते हैं तो ये मैच मैं आपको क्लीनशिप करवा दूँगा। और बाकी दोस्तों, लास्ट के तीन मैच आपको क्लीनशिप करवाएं और मैं ट्राई करूँगा ये मैच मैं आपको क्लीनशिप करवा दूँ। बाकी दोस्तों, ये मैच क्लीनशिप ही होगा क्योंकि जो फाइनल टीम होती है उसको मैं स्टैट के ऊपर देता हूँ, स्टैट निकालता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, फिर से स्टैंड करके टीम को पिक करता हूँ। तो काफ़ी मेहनत लगती है और दोस्तों, मैंने थोड़ी बहुत स्टैट निकाल ली है जिससे मुझे लगता है कि मैं इस मैच को काफ़ी अच्छे तरीके से क्लीनशिप कर सकता हूँ, क्योंकि इस मैच में भी मैं 2000 रुपये दोस्तों इन्वेस्ट करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको भी ज़्यादा नहीं तो इस वीडियो में 500 या 600 रुपये तो इन्वेस्ट करने ही करने हैं, क्योंकि इस मैच में मैं आपको काफ़ी अच्छी अच्छी टीम देने वाला हूँ। दोस्तों, बात करूँ बेलिंगर के बारे में तो बेलिंगर आपके लिए काफ़ी अच्छी अच्छी चॉइस होने वाली है। इनके पीछे जो मेजोरिटी रन, जो इनका सेलेक्टेड फंड वो काफ़ी कम रहता है और इसीलिए मैं इनको अपनी टीम के लिए लेके चलना चाहता हूँ कि दोस्तों, हमें दुनिया से हट कर चलना है। मैं आपको दोस्तों एक ऑप्शन दूंगा, आपको एक चीज़ दिखाऊंगा जो आपको ध्यान से देखनी है। मैं आपको एक बताता हूँ कि जो आपका अपोनेंट होगा वो अपनी टीम को किस तरह पिक करेगा, वो या तो ये देखेगा उसके कितने पॉइंट्स हैं या फिर वो देखेगा कि वो कितना सेलेक्टेड परसेंटेज है और वो यही देखकर अपनी टीम बनाएगा। और दोस्तों, आपको ये गलती नहीं करनी है। दोस्तों, मैं आपको टीम देने वाला हूँ तो टीम के लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इनफील्डर सेक्शन से। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके पास एक मुंशी चॉइस होगी। पिछले काफ़ी मैचों से इनको प्ले का मौका नहीं दिया जा रहा है, लेकिन इनके पीछे का जो मेजोरिटी रन, जो इनका सेलेक्टेड बैंड बोलते कितना है, 43% और कैप्टनसी का दोस्तों 10% प्लस के आसपास आपको कन्फर्म देखने को मिलेगा, क्योंकि इनका जो पीछे का जो इतने पॉइंट्स हैं
वो दोस्तों प्लेयर पिक कर लेता है क्योंकि उसको बेसबॉल की नॉलेज नहीं, आपके अपोनेंट के पास बेसबॉल की नॉलेज 1% भी नहीं है, बस वो लाइनअप देखता है और पैसे लगा देता है। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको काफ़ी अच्छे खासे पैसे कमाने हैं। दोस्तों एलबीस के बारे में बात करूँ तो एलबीस का जो रिसेंट का परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा खासा है, मेजोरिटी भी काफ़ी कम रहता है और मेरा मन है कि आपके अपोनेंट के पास कन्फर्म नहीं होंगे और मान लीजिए ये नहीं है तो ये मैच आपको क्लीन स्वीप करवाने वाला हूँ। बाकी दोस्तों मैन चॉइस तो कैप्टन और वॉइस कैप्टन की रहने वाली है। फरी मैन के बारे में बात करें तो फरी मैन का जो परफॉर्मेंस लास्ट मैच में वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल का था, जहाँ पर दोस्तों इन्होंने एक होमरन लगा दिया था और मुझे लग नहीं रहा था कि फरी मैन एक होमरन लगा पाएंगे क्योंकि दोस्तों मैंने थोड़े बहुत स्टैट निकाल दिए थे और उस स्टैट के आधार पर मुझे लग रहा था कि फरी मैन कुछ पॉइंट ही कलेक्ट कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों इन्होंने तो एक होमरन लगा दिया और काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने एक होमरन लगाया है। सीकर दोस्तों इस मैच के लिए आपकी काफ़ी अच्छा चॉइस होने वाली है और काफ़ी अच्छा से परफॉर्मेंस है। ग्रैंड लीग के लिए काफ़ी बड़ी चॉइस होगी और अपनी ग्रैंड लीग की टीम में आप अपनी टीम में ट्राई करके चल सकते हैं। दोस्तों मैंने ऑफील्डर सेक्शन से जेफ्री सुजा को अपनी टीम में उठाया क्योंकि जो क्रेडिट इशू है वो थोड़ा ज़्यादा होने वाला है इस मैच के अंदर। तो जेफ्री जो दोस्तों 0 पॉइंट से मुझे पता है लेकिन उससे पीछे जो परफॉर्मेंस है ठीक ठाक है, तो एज ए प्लेयर के लिए ठीक ठाक चॉइस है। अगर आप अपनी टीम में एज ए प्लेयर लेके चलना चाहते हो तो लेके चल सकते हैं, अगर आपको क्रेडिट इशू का सामना करना पड़ रहा है तो। पिचर दोस्तों आपके पास यहाँ पर दो चॉइस होगी, सोक्रेजर या फिर बुधर। दोस्तों किसी एक को प्ले का मौका दीजिएगा, डोडगर्स के दोनों ही काफ़ी खतरनाक लेवल के प्लेयर्स हैं। बाकी दोस्तों मैं अपनी टीम में फिलहाल सोक्रेजर अपनी टीम के लिए पिक करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है इनका जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा खासा है। फ्राइड भी अपने काफ़ी बड़ी चॉइस होगी अगर प्ले करेंगे तो, ये तीनों चॉइस तो कोई भी इनमें से प्ले करिए तो आपको दोस्तों आँख बंद कर अपनी टीम में कैप्टन बना देना है। बाकी फाइनल टीम आपको मिलने वाली है तो टीम के बारे में को 1% भी टेंशन की जरूरत नहीं है। कह दोस्तों मैंने अपने डाउनलोड को अपनी टीम ने ट्राई किया, इनका जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा खासा है। टीम का प्रिव्यू कर लेते हैं जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मैंने इस टीम में 4 आउटफील्डर, 3 इनफील्डर, 1 पिचर और 1 कैचर को चूज किया। पिचर कैचर तो हमें एक उठा सकते हैं लेकिन दोस्तों यहाँ जो ये चॉइस रहती है ये काफ़ी नेक्स्ट लेवल की रहती है। तो अब बात करें दोस्तों कैप्टन वॉइस कैप्टन के बारे में, तो कैप्टन कोई भी अगर दोस्तों अगर फ्राइड प्ले करेगा तो मैं अपनी टीम में कैप्टन फ्राइड को रखूँगा, अगर सोक्रेजर अपनी टीम में प्ले करेंगे तो मैं सोक्रेजर अपनी टीम में कैप्टन हूँ और ब्यूलर अगले प्ले करेंगे एलईडी से तो मैं इनको अपनी टीम में कैप्टन रखने वाला हूँ। ये दोस्तों ये चॉइस रहेगी मेरी और वॉइस कैप्टन चॉइस मैं आपको बता सकूँ मैं बैट्स को रखने वाला हूँ। अगर कोई चेंज होगा तो आपको टेलीग्राम पर पता चल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों मेरी मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फाइनल टीम टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।